हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप डेटाबेस से डेटा डिलीट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ जो डेटाबेस में डेटा है, जैसे कि कोई भी रॉ अगर मुझे डिलीट करना है, मान लीजिए कि रुचि का ये डेटा मुझे डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे? पीएचपी के द्वारा, पीएचपी का यूज़ करके। यहाँ से तो आप डिलीट कर सकते हैं डिलीट बटन पर क्लिक करके, लेकिन पीएचपी का यूज़ करके कैसे आप करेंगे? सो कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि कोड कैसे काम कर रहा है। कनेक्शन बनाया है मैंने, कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ मैंने होस्ट लिखा है, लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो कि असाइन हुआ है इसमें। देन हमारा यूज़र रूट है, तो यूज़र को असाइन कर दिया मैंने इसमें। इस रूट यूज़र में कोई भी पासवर्ड सेव नहीं है, तो मैंने एम्प्टी लिखा हुआ है और मैंने इसमें असाइन कर दिया। देन हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो टेस्ट अंडरस्कोर डीबी है, उसको मैंने इसमें असाइन कर दिया और इससे हमारा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है इस कोड से। ठीक है, यहाँ मैंने डीबी होस्ट लिखा हुआ है। देन यूज़र नेम आप चाहें तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे, बट ये बेहतर प्रैक्टिस होता है कि आप इस तरीके से करके लिखें। ठीक है, यहाँ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस का। उसके बाद यहाँ कनेक्शन को चेक किया जा रहा है। अगर कनेक्शन आपका सक्सेसफुली बनेगा डेटाबेस के साथ, तो कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, अदरवाइज आपको कनेक्शन फेल्ड का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा डिलीट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। सिंपली हम लोग एक एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, जिसे मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट है, वेयर आईडी इक्वल 5। यानी कि 5 जिसका भी डेटा, सॉरी जिसकी भी आईडी 5 है, उसके डेटा को डिलीट करना है। और यहाँ हम लोगों ने इफ़ के थ्रू इसको रन कर दिया। अगर ट्रू आता है तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली आपको मैसेज मिलेगा। अगर किसी वजह से डिलीट नहीं हो पाता है तो वो अनेबल टू डिलीट का मैसेज आपको देगा। और साथ में हम लोगों ने यहाँ कनेक्शन को क्लोज भी कर लिया है। सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद इसमें क्या करता हूँ मैं कि मैं 8 नंबर वाले इस लास्ट में जो है इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आईडी को चेंज कर देते हैं, 8 कर देते हैं और सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। इसको अभी देखिए, अभी डेटा है हमारा 8 में। ठीक है, 8 आईडी के साथ। लेकिन जैसे इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे और हमारा रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, वैसे आप इसको देखेंगे यहाँ स्टूडेंट टेबल में, यहाँ आपका 8 डेटा गायब हो जाएगा। यानी कि एक रिकॉर्ड जिसका आईडी 8 था वो डिलीट हो चुका। उसी तरीके से इसमें किसी भी आईडी को आप यहाँ लिख दीजिए, वो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आईडी। बस आपको ध्यान इतना रखना है इस क्वेरी को लिखते वक्त कि कुछ ऐसा यहाँ वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करना है जो कि हर रॉ को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, या फिर प्राइमरी की को आपको वहाँ लिखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप नेम लिखेंगे तो अगर राहुल दो बंदे का नाम है तो दोनों का ही डिलीट हो जाएगा। सो हमेशा यूनिक की को इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब भी आप डिलीट का या फिर अपडेट का इस तरीके का ऑपरेशन करते हैं, तो हालांकि ये जो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको एसक्यूएल में ही सीख लेना चाहिए कि कब क्या इस्तेमाल करना है, बिकॉज ये तो एसक्यूएल का कोड है, पीएचपी का नहीं है। मगर फिर भी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि इस तरीके के कंडीशंस होते हैं जब डिलीट का ऑपरेशन करते हैं तब। सो मुझे उम्मीद है कि ये डिलीट ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।